लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 का मतदान सकुशल संपन्न होने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 23 मई को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जो मतगणना समाप्ति तक अनवरत चलेगी। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ADM प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता मतगणना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद का ओवरऑल प्रभारी का दायित्व निर्वहन करेंगे तथा सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह मतगणना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपरांत गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर विश्वविद्यालय के समस्त परिसर के प्रभारी का दायित्व निर्वहन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार मिश्र मतगणना के तीनों काउंटिंग स्थलों क्रमशः दीक्षा भवन सदर लोकसभा संसदीय क्षेत्र, कला संकाय बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र तथा बैडमिंटन हॉल जनपद संत कबीर नगर लोकसभा विधानसभा खजनी तीनों काउंटिंग स्थलों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। उप संचालक चकबंदी अवधेश सिंह मतगणना के दिन मीडिया सेंटर स्थल दृश्यकला भवन में उपस्थित रहकर मीडिया से सामंजस्य स्थापित कर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सूचना का आदान प्रदान सुनिश्चित करेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी SP श्रीवास्तव मतगणना के दिन विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एवं अंदर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए उत्तरदायित्व होंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारीगण नियत तिथि 23 मई को पूर्वाहन 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक अपने काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारी के साथ उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मतगणना को सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।